रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही व्यक्ति को खर्च करने चाहिए? शुरुआत में जुबी डूबी पंपारा लगता है, हवाएं हलती है, और क्योंकि आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करने की स्टेज में होते हो, एक दूसरे को जानने की स्टेज में होते हो, तो बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है। होम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, तो उसके लिए भी भुगतान जो है वो मिलना चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति पैसे कमा रहा है, बहुत मुझ पे खर्चा भी कर रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो आप भी कोई ना कोई फ्रीलांस काम करिए अपनी पढ़ाई के साथ। लड़के सोचते हैं कि मैं बिल पे करूंगा, मैं लड़का हूँ मैं बिल पे करूंगा, ये थॉट है इनके अंदर, ये है कि मैं लड़का हूँ वो क्यों बिल पे करेगी। गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो लड़के ने थमाया 7 लाख का ब्रेकअप बिल, लिखा चिप्स पानी तक का हिसाब। नमस्कार दोस्तों, इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कपल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। क्या एक रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही व्यक्ति को खर्च करने चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है सुगंध शर्मा, जो एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। और साथ में है हमारे जुनैद खान, जो कपल एक्सपर्ट भी हैं। नहीं, जुनैद ही तो नहीं है वो लड़का जिसने वो ब्रेकअप का बिल दिया है। तो हम जुनैद से ही शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत संवेदनशील टॉपिक पकड़ा तुमने, जो कि बहुत सारे हमारे जो युवा जो रिलेशनशिप में है वो इससे कनेक्ट और रिलेट कर पाएंगे। जब भी रिलेशनशिप शुरू होता है ना रिया, तो क्या होता है, शुरुआत में जुबी डूबी पंपारा लगता है, हवाएं हलती है, और क्योंकि आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करने की स्टेज में होते हो, एक दूसरे को जानने की स्टेज में होते हो, तो बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है। फिर उसके बाद अगले पल वो आते हैं जब आप एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू करते हो, और तब हिसाब किताब वाली बात आती है। और जो आपने न्यूज़ पढ़ के सुनाई है वो भी कुछ वैसे ही, वो एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके थे, और उसके बाद में फिर ये नौबत आई कि भैया अब हिसाब किताब की बारी। मुझे लगता है ये आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन सेटिंग पर डिपेंड करता है कि आप शुरुआत में मिले, जैसे मान लीजिए अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर ये पहले से एक्सपेक्टेशन सेट है कि वो एक गृहिणी यानी कि होम मेकर है, हाउस वाइफ भी कह सकते हैं, और पति कमाने जाएगा, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब काम डिवाइडेड है, जिम्मेदारियाँ डिवाइडेड है, होम गृहिणी का भी बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप एक कंफ्यूजन में रहते हो कि नहीं ये कर लेगा, नहीं वो कर लेगा, लेकिन मैं इनकी बात पे बात कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड अर्निंग है और उनकी वाइफ होम मेकर है जो कि कितनी चीजें मैनेज कर रही हैं, तो एक होम मेकर को भी सैलरी उसकी मिलनी चाहिए। Exactly. और, खर्च करने और के लिए, क्योंकि हाँ। एक होम मेकर को उसकी सैलरी मिल रही है और हस्बैंड जो है वो अपना भी कमा रहे हैं, तब भी थोड़े बहुत एक्सपेंसेस डिवाइड होने चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारियां डिवाइड होना चाहिए। और मुझे लगता है सैलरी बोलना ठीक नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा कि उनकी एक पॉकेट मनी टाइप कहना ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल, शब्द आप कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है होम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, तो उसके लिए भी भुगतान जो है वो मिलना चाहिए। और मैं इस बात में ये कहना चाहूंगा, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो स्प्लिट होना चाहिए चीजें, एक के ऊपर अगर बर्डन आएगा तो वो एक वक्त तक। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने बहुत सारी बार बिल भरा है, इसलिए आप कहते हैं ना एक दुखती रक्त पे। मुझे तो उल्टा लगता है, बट आप बताइए क्या। अच्छा, रिया को लगता है कि लड़कियों ने सारे बिल भरे होंगे। Exactly. बताइए जुनैद, ये जनता नेशन वांट्स टू नो। मेरी लड़कियां दोस्त रही हैं अक्सर, बस यही कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ अमूमन मैंने ज्यादा पैसे नहीं खर्चा करे। हाँ, वो दिखता है, इसका नेचर ही वही है। सुगंध, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या खर्च किए हैं या आपके पार्टनर ने ज्यादा खर्च किया? देखिए, मैं आपको एक बात बता सकती हूँ छोटी सी, ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर इफ्स एंड बट्स हैं, सबसे पहले तो मनी मैटर्स डिस्कस होने चाहिए। True. चाहे आप एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप एक भाई बहन हैं जो एक साथ रह रहे हैं, फ्लैट शेयर कर रहे हैं किसी और शहर में, मनी मैटर्स डिस्कस होने चाहिए। एक घर में जो इंसान बहुत ज़्यादा कमाता है, हो सकता है दूसरा उससे बहुत कम कमाता हो, लेकिन आप जितना भी कमाते हैं उसका एटलीस्ट आपको जो है उसका 50% बोथ ऑफ यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट एंड केटर टू योर नीड्स। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 50 रुपये आपके नीड्स में जाएंगे, 30 रुपये आपके वॉन्ट्स में जाएंगे, नीड्स हो गई किराया, इलेक्ट्रिसिटी, और वॉन्ट्स हो गई आपकी मूवी, घूमना, और 20 रुपये आपके जो है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए 100 रुपये कमाती हैं और मान लीजिए कि जुनैद जो है वो 500 रुपये कमाते हैं, तो आपकी 100 रुपये की सैलरी का 50% और इनकी 500 रुपये की सैलरी का 50%, ये दोनों घर में डिवाइड होने चाहिए। उसमें आप घूमें फिरें, घर के खर्चे निकालें, सब कुछ करें, तो जो जितना कमाता है उसे उस हिसाब से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बराबर कमाते हैं तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं है, इक्वल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक कपल में हमने देखा है कि एक व्यक्ति
या तो कॉलेज होता है या स्टूडेंट होता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो अर्निंग होता है, तो अब इसमें कैसे फाइनेंस मैनेज करें? मुझे लगता है कि जो इंसान अर्न नहीं कर रहा है अभी या जो इंसान अभी इस लायक नहीं है कि कंट्रीब्यूट कर सके, उसे दूसरे का ज़्यादा खर्चा नहीं कराना चाहिए। ये आपने मेरा एग्जांपल दिया। एक वक्त था जब मैं स्कूल में थी, अब जो भी मेरे पार्टनर या मेरे फ्रेंड थे वो खर्च किया करते थे, बट मैं ये मेक श्योर करती थी कि उनसे ज़्यादा खर्च ना कराऊँ, कहीं ज़्यादा घूमूँ ना। अब उस टाइम पे तो उतना कुछ होता भी नहीं था, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती है और बाद में जाकर ये इन्फ्लुएंस होता है रिलेशनशिप पे, हो सकता है वो भी वहाँ पर इफेक्ट हो जाए। बिल्कुल, और अगर आपको ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति पैसे कमा रहा है बहुत, मुझ पर खर्चा भी कर रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो आप भी कोई ना कोई फ्रीलांस काम करिए अपनी पढ़ाई के साथ, आप भी पैसे कमाइए और उन्हें पैसों के फॉर्म में ना सही, कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ना सही, गिफ्ट्स के फॉर्म में कुछ आप उन्हें दे सकते हैं। हो सकता है कि आप पे पैसे खर्च करने की वजह से एक व्यक्ति अपने लिए पर्स ना खरीद पाया हो, तो आप उन्हें पर्स गिफ्ट कर दीजिए। दूसरी बात, आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप जब कमाने लगे तब आप भी खर्चा करें, अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन दें। अगर आप रिलेशनशिप के फर्स्ट डे से, हम रिलेशनशिप के फर्स्ट डे में क्या डिस्कशन करते हैं, फैमिली के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम रिलेशनशिप के फर्स्ट डे में दुखों के बारे में डिस्कशन करते हैं, पास्ट के बारे में, ब्रेकअप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं, बट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट कपल्स डू, सबसे बड़ी गलती जो सारे कपल्स करते हैं वो ये है कि वो मनी मैटर्स कभी डिस्कस नहीं करते, जेब जाते हैं, या फिर भारत में बहुत बार देखा गया कि लड़के सोचते हैं कि मैं बिल पे करूंगा, मैं लड़का हूं, मैं बिल पे करूंगा। ये थॉट है, ये उनके अंदर ये है कि मैं लड़का हूं वो क्यों बिल पे करेगी, वो थोड़ा सा मुझे लगता है शर्मा जाते हैं। अगर उनके दोस्त हैं वहां पर और एक ग्रुप बैठा है, लड़की ने पे कर दिया, अगर आप एज अ कपल गए हो, तो वो सोचते हैं कि नहीं मैं कर देता हूँ, तुम मुझे बाद में रीपे कर देना, समथिंग लाइक दैट। ये क्यों? हाँ, और कई लोग ऐसा भी होता है, कई बार ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप में ही इसलिए आया है क्योंकि लड़की बहुत कमाती है और ये मुझे घुमाएगी फिराएगी खिलाएगी, या फिर लड़का बहुत कमाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मनी मैटर्स डिस्कस करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में आगे जाके ब्रेकअप का बिल देने की नौबत नहीं आएगी, मतलब ये न्यूज जो है वो नहीं छपेगा। और मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और जो दर्शक शायद इस पॉइंट को नहीं समझ पाए हो, इक्वल कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे इक्वल अमाउंट का नहीं है, इक्वल इंटेंशन का है बेसिकली, परसेंटेज ऑफ योर इनकम, परसेंटेज ऑफ योर इनकम। एग्जांपल दिया ना, अगर आप 500 रुपए कमा रहे हो तो आप 250 इन्वेस्ट करो, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 50 रुपए इन्वेस्ट करो, तो ये परसेंटेज। और सेम जो रिया की बात है, इस पे अगर मैं क्लियर करूं कि कोई भी हमारे जो मेल भाई जितने भी देख रहे हैं, अगर आप बिल पेमेंट वाली चीज खुशी से आप कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आप ईगो में आगे कभी नहीं करना चाहिए, मेल ईगो नहीं होना चाहिए, या फिर सेम गोज़ फीमेल ईगो भी नहीं होना चाहिए, फीमेल ईगो कभी नहीं होता। चलिए, एक नया डिस्कशन टॉपिक निकल जाएगा। एक और चीज रिलेशनशिप की हम बात करें, फाइनेंस मैनेजमेंट की, और ओवरऑल रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी एक आपको मैं एक वो क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र देता हूँ। द डे आप पहली बार जब भी किसी से मिलते हैं, लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, तो पहले दिन जो रेस्पेक्ट और जो प्यार उमड़ उमड़ के आता है वो अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमेशा के लिए, कोशिश करें, तो ना आपके फाइनेंस बिगड़ेंगे और ना ही आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा। क्योंकि एक चीज आ जाती है कपल्स में, वो होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड। वो जब आपने लेना शुरू कर दिया तो आपकी रेस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे लव भी कम। बिल्कुल, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि आप जो है पहले दिन से ही सही प्रेसिडेंट सेट करें। यहाँ पे मैं एक और टिप भी देना चाहूंगी, जब आप किसी से मिलते हैं, आपको आपकी जो पहली कुछ मुलाकातें होती हैं उनमें आप उनसे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में भी पूछें। जैसे हम पूछते हैं आपका लाइफ में एम्बिशन क्या है, आप करियर में क्या बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। जैसे कि आपके पास फाइनेंशियल गोल क्या है, क्या आप एक घर खरीदना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, क्या आप दुनिया भर में घूमना चाहते हैं या फिर एक ही शहर में रहना चाहते हैं, आप आगे जाकर क्या देखते हैं अपने आप को करते हुए। क्योंकि इससे एक कपल को ये पता चलेगा, अब मान लीजिए कि रिया कभी भी बैंगलोर छोड़ के नहीं जाना चाहती, तो अगर इन्होंने लड़के से पूछ लिया कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और लड़का कहता है कि मुझे कनाडा में जाके जॉब करनी है, तो रिया समझ सकती है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक है या नहीं। वही जब आप हस्बैंड या वाइफ चुन रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप पूछें। सो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जब भी एक कपल है, वो चाहे डेट पे जा रहा है, चाहे एक जीवन साथी वाली मीटिंग में जा रहा है, या फिर शादी करने जा रहा है, दे हैव टू डिस्कस द मनी मैटर्स। ट्रू ट्रू।
थैंक यू सो मच सुगंध एंड जुनैद, उम्मीद है आपके भी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं अबाउट कपल फिनेंस मैनेजमेंट। आप अगर किसी रिश्ते में हो या किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि कौन कितने रुपए अपने इस रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में इन्वेस्ट करने जा रहा है। फिनेंशियल गोल्स के बारे में भी सुगंध ने बताया, ये सारी बातें आप डिस्कस कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपके रिश्ते में कोई भी रुकावट कोई भी खेद नहीं होने वाला। और ऐसे न्यूज़ जो छपा करते हैं कि जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो वापस से अपने गर्लफ्रेंड से पैसे मांग रहे हैं, 7 लाख रुपए का बिल उस बंदे ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप इन सारी ही बातों को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खासतौर से उन लोगों के साथ जो ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं या उड़वा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुगंध एंड जुनैद, बाय बाय।